नौजवान जिब्रील ने आख्या मेरे नाल मुहम्मद आई सिलसिला सात आसमान ते चले आ। नौजवान पता चल गया थे किसे दा नाम चल दे किसे दा नाम चल दे किसे दफ्तर जो किसे दा नाम चल दे उते मुहम्मद दा नाम चल दे असी एवें नहीं हर वेले मुहम्मद मुहम्मद कर दे पता चले आ असा जद जन्नत वाले टुरना है असा मुहम्मद दे नारे मार दिया जाने दरवाजे खुल दे। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مکرم اور آپ احباب گزشتہ کئی جمعۃ المبارک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج شریف دا بیان سماعت فرما رہے ہو سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق تے سوار ہو کے اللہ رب العزت دیاں نشانیاں دیکھ دے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لنوریہو من آیاتنا فرمایا سا محبوب نو معراج اس واسطے کرائی تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں دکھا سکیے او نشانیاں کی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ تو گزر کے نفل پڑھ رہے کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قبر وچ نماز پڑھ دیا دیکھیا تو پتہ چلیا کہ جتھے نبی پیدا ہون او جگہ بھی رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے تے جتھے نبی دفن ہون او قبراں وی رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि असा अपने महबूब नू अपनियां निशानियां दिखाईयां। ग्रामी कदर हजरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आदि सवारी बुर्राक मस्जिद अक्सा विच पहुंचिया, जिथे अंबिया कराम अलैहि सलाम दियां सवारियां बद दियां सन, उत्थे जबरील अमीन ने एक पत्थर वाल उंगली का इशारा किया, पत्थर चो सुराख हो गया। उस सुराख के अंदर जबरील अमीन अलैहि सलाम ने नबी पाक के बुर्राक की मुहार नूं बंधिया। हालांकि सवारी उस नूं बंधी दे कि जिदे दौड़ जावन का खौफ होवे, गुम हो जानी, किसी ने चोरी कर लेनी, उस सवारी नूं लॉक करी दे या बंद ले दे ताकि ये गुम ना हो जाए, इन्हों को चोरी ना कर लवे, ये दौड़ ना जावे। बुराक दे नाल ऐसा मामला भी कोई नहीं, ना इन्हें दौड़ना है, क्योंकि जिन्हें 40,000 साल इस मौके का इंतजार किया हो कि मैं हजूर की सवारी बना, उन्हें दौड़ तो नहीं सी ना जाना, ना इतने चोरी होवन का इहतमाल है। फिर जिबरील ने उस बुराक नूं क्यों बदया? असल च जबरील उन्हें लोगों को दसना चाहते कि जेड़ा मिसले मुस्तफा बनना चाहते कि मैं नबी वर्गा माज़ल्ला। जबरील उन्होंने दसना चाहते हैं कि दिया रीसा पिया करना जिदिया सवारियां जबरील वर्गे बनते फिर बोलते नहीं सुभान अल्लाह यार, जिदिया सवारियां जबरील वर्गे बनते फिर रीसा पिया करना। मस्जिद अक्सा अल्लाह ने इरशाद फरमाया मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला। मस्जिद अक्साद अल्लाह करीम ने तआरुफ कुरान मजीद ये इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लज़ी बारकना हौला, ओ मस्जिद अक्सा जिद इर्द गिर्द अल्लाह दी बरकतां अल्लाह दी रहमतां नाज़िल होंदियां। हर मस्जिद के अंदर बरकत है, ओदे बाहर भी बरकत है। या अल्लाह हर मस्जिद के अंदर बरकत है, मस्जिद अक्सा के अंदर भी ते बाहर भी बरकत क्यों है? तो उलमा ने इरशाद फरमाया कि चूंकि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अंबिया के मिजार ने, अंबिया की कबूर ने, अंबिया के कब्र ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी बारकना हौला, ओ मस्जिद अक्सा जिद इर्द गिर्द बरकता नाजल हो दिया। पता चलिया जिथे अल्लाह वाले दे मिजान हो, मिजार होवन, उथे अल्लाह दियां बरकता ते रहमता नाजल हो दिया ने। बाहर बाहर बारिश बस रही, कोई जाके इंसान बरस की बारिश च खड़ा हो जाए तो कोई ना कोई छिट से पै ही जाती है ना। अल्लाह परमादा जिथे मेरे बंदियां ते मेरे पकीदा बंदियां ते मेरे कुर्ब वालियां ते मेरे करीबी लोगों के मिजार होते हैं, उत्थे रहमतां दी बारिश होती है। असीं इस वास्ते वलियां ते नबियां के मिजार से जाने, कुछ छिट पै ही जाएगी ना, इत्थे ते रहमतां दी बारिशां होंदियां ने। मस्जिद अक्सा सारे नबियां दा किबला। ग्रामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ लै गए। आदम अलैहि सलाम तो लैके ईसा ताईं सारे अंबिया इकराम अलैहिम सलाम ने मेरे नबी दा इस्तकबाल किया। जिब्रील अमीन अलैहि सलाम अजान पढ़ी, जमात अवेला आया ते अर्ज की थी याला हुन सारे नबी ने मुसल्ले ते किन्नू खड़ा करा। अल्लाह ने कुरान मजीद दे इरशाद फरमाया कि असी रसूलां च फर्क नहीं करदे। अल्लाह फरमांदा कि रसूलां च असी फर्क नहीं करदे क्योंकि उलमा फरमांदे ने नफ्स नबूवत दे अंदर सारे नबी बराबर ने। वजीर आदम भावे अमरीका का हो, वजीर आदम बरतानिया इंग्लैंड का हो, वजीर पाकिस्तान का हो, वजीर आजम इंडिया का चाइना का होते सारे वजीर आजम बई ओह सारे का बराबर है ना। फजील तो अपनी अपनिया ने,
तो नफ्से नबूवत के अंदर सारे नबी बराबर ने। ला नुफरिकु बैना अहदिम मिन रुसुलि। तो जिब्रील ने अर्ज की, या अल्लाह सारे नबी ने ते मुसल्ले ते किनो खड़ा करा। अल्लाह फरमा जिब्रील जेड़ा सोहना लगदा है ओ बोले जेड़ा घरों बाहर कई जुमा सुनन ते तकरीर सुनन आया भाई। एक कोशिश और करो तो उच्चा बोलो बोला सुभान अल्लाह। नहीं तुसी मेरे जौक वाला नहीं है जब बोले मैं भी फिर बगैर तरन्नम तो इंजी तकरीर करी जाना ठीक है। हाथ चुक के बोलो मैनू पता लगे हजूर दे जूदे जाग दे दीवाने चो बैठे। कोई गुजरा वाला माशाल्लाह, कोई मैं देख रहा उकाड़ा, कोई साहिवाल सरगोदा दीगर शहरा तो माशाल्लाह तशरीफ ले आए। ये सारे दसो भला कि मैं असी हजूर का जिक्र सुन के सुबह। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जड़ा सोना लगता है मुसल्ले ते खड़ा कर दे। जिब्रील ने कौन है दिवाली दे दामन पकड़िया मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील वेख मेरा बाबा आदम पीछे खड़ा है, मेरा दादा इब्राहिम पीछे खड़ा है, अल्लाह ना गल्ला करने वाला मूसा भी खड़ा है, फूका मार के मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा भी खड़ा है, पूरी कायनात शहनशाह सुलेमान भी खड़ा है, मैनू मुसल्ले ते खड़ा क्यों कीता है। अर्ज की कमली वालिया अल्लाह ने फरमा जिब्रील जेड़ा सोना लगदा है सुनया सिदरतुल मुंतहा दे वेखिया मैं जमी दीता तू सरा च वेखिया मैं कायनात दे मशरिक व मगरिब वेखे नबियां दियां सफा च झाती मारी तेरे जिया सोना मैनू लभाई कोई। कौन है दिवाली नबियां दे मुसल्ले ते खलोगे। नौजवानों जिब्रील ने दामन पकड़ के मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने नबियां दी इमामत वास्ते मुसल्ले ते खड़ा कीता। पीछे जिन्ने खड़े सन सारे नबी ते सच्चे नबी। मिर्जा कादियानी नहीं आया क्योंकि झूठा ना, उथे सारे सच्चे आए सन, झूठा एक भी नहीं आया क्योंकि सच्चे बुलाए गए ने ना। सारे अंबिया आए। जिब्रील ने नबी पाक नु दामन पकड़ के मुसल्ले ते खड़ा कीता। किसे नबी ने इतराज नहीं कीता कि ए साडे वर्गे असि एदे वर्गे आ, ए भी नबी असि भी नबी। भाई हक ते नबियां दा बनदा ना क्योंकि ओ नबूवत च मेरे नबी दे नाल नबूवत च सांझे ने। भाई नबूवत च ते हम मर्तबा ने ना। ला नुफरिकु बैना अहदिम मिन रुसुलि। शरीक ते ने ना नबूवत च मुस्तफा दे ते जिन्ना दा हक बनदा सी ओ ते बोले ही नहीं ते जिदा बनदा ही नहीं। ओ अड़ियां चुक के आखे मैं नबी वर्गा। ओ झलिया जिन्हां दा हक बनदा ते बोले ही नहीं। सारे नबी ने पर जिब्रील ने कमली वाले दा दामन पकड़ के मुसल्ले ते खड़ा कीता। किसे नबी इतराज नहीं कीता। पता चलिया नौजवानों जिन्हों नबियां दे मुसल्ले ते जिब्रील खड़ा कर देवे नबी इतराज नहीं कर दे। ते जेड़े अबू बकर सिद्दीक नु कमली वाला दामन पकड़ के ते सहाबा दी इमामत ली मुसल्ले ते खड़ा कर देवे किसे दी जुरत है सी ते सिद्दीक दी इमामत दा इनकार कर देंदा। इत्थे ते जिन्हों जिब्रील मुंतखब करे ओदा इनकार कोई नहीं करदा। ते जड़े सिद्दीक नु कमली वाला मुंतखब करे कौन जड़ा अबू बकर दी इमामत दा इनकार करे। मेरे नबी ने मुसल्ले ते खलो के दो रकात नमाज पढ़ाई। कितनी? पहली रकात के अंदर मेरे नबी ने सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। दूसरी रकात कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास पढ़ी। नौजवानों नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने दो रकातें पढ़ाइया। क्यों पढ़ाइया? कोई नबी मिस्र तो आया, कोई सरांदीप तो आया,
कोई नबी बोल के शाम तो आए, कोई नबी बोल के इराक तो आए, कोई नबी अरब चो आए। केड़ी जात सी जिन्हें सारे नबियां नु ए वक्त दिता के वक्त ते पहुंच जाया जे ते फला मुकाम ते पहुंच जाया जे। ए भी पता लगा जिंदा सन ते आए सन ना भाई, जब नबी जिंदा सन ते आए सन ना, क्यों आए? वक्त मुकर रात आए, वजह की सी? तवज्जो कीजिएगा, असल च आलमे अरवाह दे अंदर जदों अल्लाह ने नबियों नु इकट्ठा करके ते वादा लिया ना, अल्लाह ने फरमाया इद अखद अल्लाह मीसाक नबीजीन लमा आतीतुकुम मिन किताबी व हिकमा, फरमाया ऐ अंबिया जदों मैं तुहानू किताब देवां हिकमत देवां लोग तुहाडा कलमा पढ़न ते उम्मती बन जान, सुम जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, फिर आ रसूल आ जावे ते इहदे ते ईमान भी लैके आना जे ते इहदी मदद भी करनी जे, इह तुहाडियां तस्दीकां करेगा। आलमे अरबा च नबियां ने अर्ज कीती या अल्लाह साडा वादा रिहा, साडे हुंदिया कमली वाले आ गया, असी अपने कलमे छुड़ा के कमली वाले दा कलमा आप ही पढ़ांगे, उम्मतां कोलों भी पढ़ावांगे, असी नबी पाक दी मदद भी करांगे। नौजवानों सियालकोट दे रहण वाले खुरबो जवार दे आने वाले हो, पता चलिया कमली वाले जारी तौर ते नबियां दे हुंदिया ते आए नहीं, पर मस्जिद अक्सा दे अंदर सारे नबी जमाए हो गए ते नाले अर्ज करदे ने सोने आ जरा जांदा जांदा चक्कर लगाई जा, असा अल्लाह नाल वादा कीता सी अज तेरे पीछे नाले नमाज पढ़ लईए, नाले असी अपने वादे पूरे कर लईए, ते नबियां भी आख्या सुनया एक जांदी वारी चक्कर लगा जा, तू ते मेराज कर आवेगा सानू मेराज कौन कराएगा। नौजवानो अल्लाह चांदा अपने यार नु मक्के तू सिदरा ते सिदरा तू अरशा ते लै जा, अपने यार नु ला मकां ते लै जांदा, पर अल्लाह ने मक्के ते टोरिया ओ मस्जिद अक्सा वल लेके गई, उथों अरशां ते बुला लिया, पता चलिया नबी करीम अरशां ते डायरेक्ट नहीं गए, नबियां नु नमाज पढ़ावन वास्ते गए, क्योंकि नबियां ने अर्ज कीती सोनिया तू ते मेराज कर आवेगा सानू मेराज कौन करावे। सुभान अल्लाह बोलिया जो भाई साहब, दो रकात पढ़ाई ते नबिया नमाज मेरे नबी दे पीछे पढ़ के आख्या सोनिया साइया नजर रखी गल निभ जावे तेरे सामने बह के हां कीती, साइया नजर रखी गल निभ जावे तेरे सामने बह के हां कीती, असा आलमे अरवा च हां करके आए सा, ना फजर दा वेला है जोहर दा ते नहीं असर, मगरिब इशा, फिर एक केड़ी नमाज जेड़ी मस्जिद अक्सा च कमली वाले नबियों नु पढ़ा के जा रहे ने, नहीं बोले सुभान अल्लाह। और सच्ची दसां के अजे ते नमाज आई नहीं भाई, नमाज ते उदो मिली ना जदों नबी पाक मेराज करके वापस आवन लगे, ते अजे ते मेराज करन जा रहे ने, अजे करन जे सुभान अल्लाह। कमली वाले जड़े वेले मेराज करके वापस आवन लगे, अल्लाह ने फरमा कमली वाले आ अपनी उम्मत वास्ते पंजाब नमाजा ले जाओ, अर्ज की थी आला नमाज पढ़नी किवें में, अल्लाह परमा सुने असला तो मेराज मोमिनीन नमाज मोमिना दी मेराज है, अर्ज की थी आला ये नमाज हुंदी की है
पढ़नी किवें में अल्लाह फरमाए सोने ओ जेड़ा मस्जिद अक्सा ते मुसल्ले ते खलो के अदावा करके आया है ओ तेरियां अदावा सोनिया लगियां ने उना अदावा दा ना ही नमाज बना दिता है उम्मत नु मेरा पैगाम दे देवी तेरियां अदावा कर दे रहन मैं मेराज करांदा रहा नमाज पढ़ी जाएगी तेरा तवज्जो कर जो जमात खड़ी हो किसी भी नमाज वेले देखा जे कि जो सफा दुरुस्त हो जावन ना उलमा फरमाते ने कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा च नबियां दियां सत सफा सन किनिया पहलियां तीन सफा रसूलां दियां सन पिछलियां नबियां दियां सन अगलियां तीन सफा च मुरसलीन सन पिछलियां चार सफा दे अंदर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सन तरतीब ऐसी कि नबी पाक दे बिल्कुल पीछे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम खड़े हो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जो नमाज खड़ी होवे ना ते अगली साफ दे अंदर फैक्ट्री दा मुलाजिम ते पिछली साफ च फैक्ट्री दा मालिक बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए अमीर भी उसे साफे चे गरीब भी उसे साफे चे इंज भी मुमकिन है कि गरीब अगली साफे चोवे ते अमीर भाई मालिक पिछली साफे चोवे ते अगली साफे विच मजदूर होवे एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज बस तेरी बदरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए इमाम जब अल्लाह अकबर करके कयाम दे बाद विच किरात करके रुकू कर दे रुकू तो बाद जब सजदे दी हालत आंदी है ना सारे मुक्तदी जब सजदे च चले जावां ते गौर करे आजे ओ जड़ा पिछली सफे च मुक्तदी होंदा ना ओ जब सजदा करदा ना ते ओदा सिर अगली सफ वाले दे कदमां च होंदा है आज फैक्ट्री दे मालिक दा सिर मजदूर दे कदमां विच क्योंकि बारगा वड्डी है ना उस सफ वाले दा सिर अगले दे कदमां च ओदा सिर अगले दे कदमां च ओदा सिर अगले दे कदमां विच आई तरतीब होंदी है मैं जड़े वेले आलमे तसव्वुरात च जाके मस्जिद अक्सा च वेख्या कमली वाले अल्लाह अकबर कह के जड़े सजदे दे अंदर गए फितरत दी निगाह ने भी वेख्या अज यूसुफ दा सिर याकूब दे कदमां विच याकूब दा सिर इसहाक दे कदमां विच इसहाक दा सिर इस्माईल दे कदमां विच इस्माईल दा सिर इब्राहिम दे कदमां विच ते सारे नबियां दा सिर मुहम्मद दे कदमां मैं इन पढ़िया करना दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे जो देखे सभी उनके पड़े देखे एक प्यारा जा नुकता अर्ज करा घर जाके सुभान अल्लाह जरूर बोलिया जे भाई ए ही मस्जिद अक्सा ते सारे नबी इत्थे नमाज पढ़ते रहे एक नमाज पढ़ते ने ते एक दा सवाब है जदों दा कमली वाला चक्कर लाया ना एक नमाज पढ़िए ते 50,000 दा सवाब मिलदा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तेरे कदमां तो सदके सोणिया
मेरा कमली वाला जदू का चक्कर लगाया एक नमाज मस्जिद अक्सा च को पढ़े ते 50,000 नमाज का सवाब है। गिरामी कदर मेरे नबी मेराज करन गए। अच्छा जाना ते मेराज करन सी ते मस्जिद अक्सा की लैन गए भाई मस्जिद अक्सा च जाना मेरे नबी दी मेराज ते नहीं ना। मेरे नबी मक्के तो टुरे ते जिथु 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 गुजर के गए ओ ओ उस जगह दी मेराज हो गई। कमली वाले कुर्बे इलाही च गए ए मेरे नबी दी मेराज है। पता चलिया मेरे नबी सिर्फ आप ही मेराज करने गए सारी कायनात नु मेराज करा के जा रहे हैं। अगली गल गिरामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे ना मेरा जो दिन आखदा मेरा दिमाग मेरा दिल मेरा इश्क आखदा जब नबी पाक नबियों नु नमाज पढ़ाते हो ओते खलो के जिब्रील कहंदे होणगे या मुस्तफा खैरुल बरा तेरे जया इंज नहीं भाई हाथ खड़े करके तुसी ते मैं बचपन तो है नबी दी नाल सुनदे पढ़दे आ रहे हां सारे मिलके पढ़िए जिब्रील कहंदा यो वे गया मुस्तफा खैर बरा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैर बरा तेरे जया कोई नहीं किन्नो कमा तेरे जया इंज नहीं भाई इंज नहीं जिदा जिदा ईमान इना ते पढ़ लवे तेरे आदम सफीउल्लाह ने नू नजीउल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उंज ते दाऊद खलीफतुल्लाह ने सुलेमान नबीउल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह ने उंज ते ईसा भी रूहुल्लाह ने पर तेरे जया कोई नहीं किन्नो कमा तेरे जया तेरे जया भाई हाथ लहरा के गवाही दियो के मैं ये अकीदा रखना वा किन्नो कमा तेरे जया तेरे जया कोई नहीं अक्सा दे विके आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियाने भी ए हो क्या तेरे जया कोई नहीं नबियाने भी ए हो क्या तेरे जया तेरे जया कोई नहीं। आला हजरत दी ते रूह तड़प गई ना। चलिए मामे आले सुन्नत दे दरबार ते ओ कैसा मंजर हो गया। एक बार अख बंद करके तसव्वुर ते करो मुसल्ले ते कमली वाले पीछे सारे ही नबी भाई पीछे सारे ही नबी आला हजरत मंजर वेख के फरमांदे ने सबसे औला आला जीदा जीदा बोले सबसे लहरा के आखो सबसे औला आला ए हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी आला दर तो मंजर बेके परमा देने खलक से औलिया
औलिया से रसूल खल्क से आए औलिया औलिया ए औलिया से और सब रसूलों से आला हवा फिर आखा जे सब रसूलों से आला मैं नहीं तुझे पढ़ना सब रसूलों से आला जिन जिन कमली वाले दौमती होते ना दे पड़े सब रसूलों से आला हमारे हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी और सबसे औला आला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा सबसे जे आखो मैं सारी तकरीर एदे ते कर देवा कि सबसे भाई जिदा खाइए ओदा ही गाइए जड़ा नबी दी तकसीम जुगांदा पड़े सबसे औला आला आओ मैं दे दे छोटा जिहा नुकता अर्ज कर देवा अल्लाह चाहता अपने यार नूं मक्के तों डायरेक्ट अरशां ते लै जांदा ए मस्जिद अक्सा च क्यों खड़िया ए भी ते हो सकदा सी जे नबियां दा कबली वाले पिछे नमाज पढ़न जी करदा ए अल्लाह जेड़ा मस्जिद अक्सा च बुला सकदा ए ओ मस्जिद हराम च भी बुला सकदा ए ओ अल्लाह नबियां नूं काबे च भी बुला सकदा ए नौजवानों अल्लाह ने फरमाया नबी ओ तुसी सारे नबी मस्जिद अक्सा च नमाज पढ़ते रहे हो ओ सारे नबियां दा किबला काबा मुसलमाना दा किबला इनू मेरे नबी ने किबला बनाया है जे सारे नबियां नू अल्लाह काबे च बुला के कमली वाले को नमाज पढ़वांदा के लोगां ने आखना सी नबियां नू बेख्याल होना सी मस्जिद भी इना दी है मुसल्ला भी इना दा है इमामत भी इना ही करानी है अल्लाह ने फरमाया नबियो तुसी मस्जिद अक्सा च आओ कायनात न पता चल जाए मस्जिद भी नबियां दी मुसल्ला भी नबियां दा पर इमामत मुहम्मद दी मस्जिद जिदी मर्जी हो जिंदाबाद बे मुर्शद चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह मस्जिद जिदी भी होवे मुसल्ला जिदा भी होवे इमामत मुस्तफा दी हुंदी है आज मतलब एदा सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा नबी भावे सारे नबी होने इमामत मुस्तफा दी मुसल्ला जिदा भी होवे इमामत मुस्तफा दी अल्लाह इस वास्ते सारे नबियों नूं फरमा तुसी मस्जिद अक्सा विच आओ मैं इब किताब च पढ़िया कि मस्जिद अक्सा दे इक सतून आ जिहड़ा थम है ना आ सतून मस्जिद अक्सा दे इक सतून ने अर्ज कीती सी या अल्लाह मैनूं भी कमली वाले दी ज़ियारत करा इहदे तों होर किहड़े किहड़े नुक्ते ने इह मैं तुहानूं उस दिन सुनावांगा जिस दिन नबी पाक दी मिराज दी वापसी सुनावांगा कि क्यों उत्थे लै के गए इह मैं बाद च किसी वेले इंशाअल्लाह जरूर अर्ज कर सकदा अगे चलिए भाई होर उचा बोलो सुभान अल्लाह ग्रामी कदर हजरात नबी करीम अलैहि सलात व सलाम ने जदों नबियां नूं नमाज पढ़ा ली एक एक नबी ने खुतबा दिता ते आखरी खुतबा खसूसी खिताब
हजूर ने फरमाया जो नबिया ने खिताब किए तो उन्हें अपनी तारीफा की मेरे नबी जो अपनी शाना बयान की सारे नबी कह लगे सबसे औला औला हमारा नबी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टुरे ना मैं हदीस पाक च पढ़िया के जो नबी पाक जमीन तो आसमान वाल चले ना तो जमीन रोन लग पी टुर चले जदों कौन आंदे वाली टुरे ते नबी भी रोन लग पे ते कहंदे ने अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा थोड़ी देर और ठहर जा ते रब पुर की दी दिल दे दुआ तू थोड़ी देर और ठहर जा ये भी ते मुमकिन सी ना के अल्लाह ने कुरान मजीद फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा सूरह बनी इसराइल दी इस आयत अल्लाह ने फरमाया सा सैर कराई मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक इत्थे तक ही काम मुक जांदा ऊपर जाण दी लोड़ भी केड़ी सी बोलोगे सुभान अल्लाह जे पढ़ा अल्लाह ने रिजा फरमा कमली वाले ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे जिंदा कीते उन्हां दी कौम नूं भुलेखा पै गया इत्थे मुर्दे जिंदा कर लैंदा मुर्दे जिंदा करना ते अल्लाह दा कम है ईसा दे उम्मतियां ने आख्या ईसा माज अल्लाह अल्लाह दा पुत्तर है अल्लाह ने फरमाया कमली वाले ओना मुर्दे जिंदा कीते लोग समझे अल्लाह दा पुत्तर है उन्हां शिरक कर लिया सोने तू ते पत्थरां तू कलमे पढ़ाने टोर लेना है तू ते मुर्दा दिल भी जिंदा कर देना है तेरी उम्मत नु किधरे भुलेखा ना पै जाए के कमली वाला खुदा दा बेटा है माज़ल्लाह अल्लाह फरमा सोने तेरी उम्मत किधरे शिरक ना करे तू दुनिया ते टुरिया फिरिया कर कोई तेनु रब वर्गा ना आखे तू दुनिया ते टुरिया फिरिया कर कोई तेनु रब वर्गा ना आखे ते एक बारी अरशा ते भी फेरा ला जा कोई अपने वर्गा ना जमीन ते जमीन ते टुरदा फिरदा वेख के अपने वर्गा कहन वाले कदे उन्हों सने जोड़िया अरशां ते भी फिरदा वेख्या कर अल्लाह फरमा सोणिया आ हुण अरशां ते आ ना जरा अरशां ते हुण जरा मैं तेरी शाना दुनिया नूं वेखावां हुण मेरे आका अलैहि सलातो सलाम मस्जिद अक्सा तो सीधे डायरेक्ट उलमा ने यह भी गल लिखी है कि असल च जिहड़ा फरिश्ते दुनिया ते आंदे ना वो जिहड़ा खुफिया रस्ता ना आसमान तो जमीन वल वो जड़ी सीढ़ी है वो जड़ी पौड़ी है वो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा च उतर दी है फरिश्ते आसमान तो पहले जमीन ते जब उतरते ने इस सीढ़ी के जरिए उतरते ने मस्जिद अक्सा च उतर दी है इतों ही हजूर ने मस्जिद अक्सा तो आसमान वाल बुलंदी करनी सी ना उदिया कौन रीसा करे अदरा मेरे वाल तवज्जो करिया जे ते तवज्जो ना बात सुनिया जे नौजवानों इंसान एक कदम उठा लेंदे ते जे दूसरा भी उठावे ते किधर जांदा नीचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक बंदा आया तो कह लगा किस्मत दा सवाल कीता ना ये आम लोगों के ज़हन च भी सवाल है कि अल्लाह ने जदों पहले ही मुकद्दना ते नसीबा च लिख दिता है कि इस बंदे आ गुनाह करना है ते इन्ने आ नेकी करनी है ते फिर इंसान नूं दोज़ख क्यों
ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਸੁਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਠਾ, ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਆ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਲਮ ਅਜ਼ਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਇੰਜ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਸਾਨ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਅਜ਼ਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਂਝ ਨਬੀ ਵੀ ਗਏ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੜਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਗਏ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਈ ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਗਏ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਫਲਕ ਕੇ ਪੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋ, ਚਲੇ ਬੈਤੁਲ ਹਰਮ ਸੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੇ ਬੈਤੁਲ ਹਰਮ ਸੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੇ ਬੈਤੁਲ ਹਰਮ ਸੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਰਾਕ ਉੜਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਖਰਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਤਸਵੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰਾ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਏ, ਪਰ ਖੜਾ ਹਵਾ ਚ ਹੀ ਖੜਾ। ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ? ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਲਗਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੁਰਾਕ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨਾ
नमाज पढ़ रहे उथे क्लास च कारी साहब बच्चों नु सबक पढ़ा रहे मंतिक दी क्लास फलसफे दी क्लास ते बहस इस मामले ते हो रही कसीफ ते लतीफ होते ते अलामा साहब कारी साहब नु एक बच्चे ने पूछा कि उस्ताद जी आसमान कसीफ है के लतीफ है उन्होंने आख्या जी आसमान ते लतीफ है उन्होंने आख्या जेड़ा लतीफ होवे फिर उहदे विचों नबी पाक किवें गुजर गए कारी साहब नु गल दा जवाब ना आवे हुण आलिम नु गल दा जवाब ना आवे उन्होंने आख्या नहीं नहीं नबी पाक नु जिस्मानी मेराज नहीं हुई नबी पाक नु रूहानी मेराज हुई ख्वाब विच ही हुई सी एक शागिर्द उठ के कह लगा नहीं जी असां ते हदीस च पढ़िया जिस्मानी मेराज सी ते तुसीं दसो फिर हजूर किवें गुजर गए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ चुके थे आप ना इंज करके मस्जिद की दीवार दे विचों कदे बाहर जांदे ने ते कदे अंदर आउंदे ने ते फरमांदे ने इंज गए सन इंज आए सन इंज गए सन ऊपर तो आवाज आई कौन फरमाया जिब्रील साडा दरवाजा खटके ते सी पुछे ना कौन ते बारू आवाज आउंदी है मैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी दे घर आए थे दरवाजा खटका हजूर ने फरमाया कौन कहंदे ने मैं हजूर ने फरमाया मैं की होंदा है अपना नाम दस ये भी पता लगया कि बगैर इजाजत अपने घर भी जाना मना है ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जाओ सुभान अल्लाह दरवाजा खटका के जाओ भावे अपने घर भी जाओ ताकि घर से जड़ी खतूने खाना बैठिया ने बेटियां मामा बहना कोई भी खतूने खाना अगर वो किसी हालत च भी दरवाजा खटके वो अपनी हालत दुरुस्त कर लवे अपने घर भी जाओ ते हुक्म है दरवाजा खटका के जाओ जिब्रील दरवाजा खटकाया ये भी पता लग गया जब को पूछे कौन है ते अपना नाम दसो मैं ना कहूं दरवाजा खटकाया जिब्रील ने ऊपर तो आवाज आई कौन आख्या जिब्रील दरवाजा खुल जाना चाहिए मगर अगला सवाल नाल ही आ गया नाल सवाल किया मम्मा का तेरे नाल कौन है इत्थे एक होर सवाल पैदा हो गया ऊपर वाले फरिश्ते ने ये नहीं पूछा हल मा का अहदा तेरे नाल भी कोई है नहीं ये नहीं पूछा आख्या नाल कौन है और तुझे सुभान अल्लाह कहो तो मैं गल समझा देवा हजरत अलामा शेख अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे एक बड़ी मोहब्बत की बात लिखी है आसमान मेरे नबी ने फरमाया पहली जमीन तो लेके पहले आसमान तक 500 साल का सफर है आ 500 साल नहीं जेड़े तुसी समझ रहे हो या साढ़े जमाने दे नहीं नहीं ये नूरी 500 साल ने ओ 500 साल एक करोड़ साल बंद नूरी जेड़े पहली जमीन तो पहले आसमान तक 500 साल का सफर है पहला आसमान 500 साल मोटा है ऊपर वाला फरिश्ता 500 साल दे सफर ते वे ते नीचे जिब्रील 500 साल दे सफर ते नीचे वे ते गल्लां पईयां होंदियां ने हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने फरिश्ते ने एक क्यों नहीं पूछिया तेरे नाल कोई है के नहीं क्यों पूछिया नाल कौन है पता चलिया उतले नो पता भी लगदा के नाल कोई है उलमा फरमांदे ने असल वजह ऐसी जदू कमली वाले नाल गए मेरे नबी दा नूर आसमान चीर के गुजर जाए जिवें सूरज दे उग चढ़न ते पहले सूरज दे तलू तो पहले आसमान ते रोशनी मशरिक वाले हो जाती है इंजी फरिश्ते नो मेरे नबी दा नूर आसमान तो उत्ते नजरी आ रहा ते फरिश्ते जिब्रील ने पूछिया अनाल कौन है जिब्रील ने आख्या मुहम्मद
ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਜਿਬਰੀਲ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਬਰੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਨ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਮ ਐਨ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਜਹਾਨ ਚ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜਦ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਕ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਬਰੀਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਛੇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਮਿਹਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਰਤੁ ਬਿਕਬਰ ਮੂਸਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੁਵਾ ਕਾਇਮੁ ਯਸੱਲੀ ਫੀ ਕਬਰਿਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੂਸਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂਸਾ ਕਬਰ ਚ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਚ ਨੇ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਚ ਵੀ ਸਨ ਛੇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁਕਤਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮੂਸਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਲਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ